नाक के अंदर से सुराख है, ठीक है, उसमें अंदर से इन्होंने अंगूठा डाल के पकड़ा हुआ है। आए जुल्म के पीछे लगा हुआ है। 9.5 लाख रुपए। ठीक है, और बताता हूँ अभी साथ साथ आपको हम कहाँ आए हैं। और मेरे साथ हैं जी सजील भाई। ताको मामा केड़े नखरे चो गए। ये डर गया रास्ते उर्दू में। सच्ची मैं घबराया हूं जी रास्ते। तो जनाब अभी जो है हम मंडी में इंटर हो चुके हैं जी जनाब। पिछली बार सैफ अली आपने अपने अटक की दिखाई थी मंडी। हाँ पिछली बार जो है ना मैंने अटक की दिखाई थी, इस बार पिंडी की दिखा रहा हूँ। ठीक है, कमेंट में बताना यार कैसे डरते किस। खैर खैर कोई नहीं, ऐसा लाद से बहुत डर लगती इसको देखा। कैसे लगने काले काले। ये जनाब चेक करें जी, माशाल्लाह कितने खूबसूरत खूबसूरत बैल हैं यहाँ पे, तकरीबन हर तरफ नजर आ रहे हैं। ये भी एक चट्टा सा बैल आया जी हमारे साथ। बाकी चट्टा है जनाब, चेक कर सकते हैं जी कैसे डेरे की सेटिंग है। ठीक है, और अभी आपको बेड़े भी दिखाते हैं यार जाएंगी बोल। ये चेक करें जनाब, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बेड़े हैं। अटक से फतजांग, ठीक है जी, पास ही है और मैं भी वहीं से हूँ। और यहाँ पास ही आसी, और यहाँ जो है ना फतजंगी बोल बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। मुझे तो आज पता चला है हमारे एरिया के बोल यहाँ पर बहुत मशहूर है फतजंगी। ये चेक करें जनाब, ये चेक करें जनाब, डेरा बनाने पर कितना ज़्यादा खर्चा हुआ। ये जो फतजंगी बैठे हैं ना, अच्छा इनकी डिमांड खाली यहाँ पे नहीं है, अच्छा। हर तरफ इसकी डिमांड है, फतजंगी बैठे चाहे वो पिंडी शहर के या इस्लामाबाद के या और शहरों में, फतजंगी की हर तरफ डिमांड है। ये मुझे भी नहीं पता क्यों। फतजंगी बोलती है तकरीबन पाकिस्तान फुल में जो है ना सारे बहुत मशहूर हैं और इनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। ये हमें भी नहीं पता क्यों। रेट शेट वैसे पता करेंगे मंडी का क्या। हाँ पता कर लेते हैं किसी। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कितना माशाल्लाह से खूबसूरत बेड़ा है। और इसकी डिमांड क्या है, कितनी बताइए? 9.5 बताइए। 9.5 लाख रुपए। माशा, ये जनाब मेरे नाम का भी डेरा है, ठीक है। बाकी मलक तो मलक तो मैं नहीं हूँ, डेरा मलक सैफ। हाँ सैफ दा, ये ठीक लिखा है जी, आवान ठीक लिखा है इन्होंने। ओके करो, सैफ है ना, सैफ मेरा नाम सैफ है, सैफ अली। ठीक है, तो मेरे नाम का डेरा भी आ गया। तो मेरे नाम के भी कई होंगे। नहीं नहीं इधर नहीं है, तो ऐसे आप ही हैं। ये जनाब घोड़े हैं, घोड़ों के पीछे बगी है जी, ठीक है। कौन सफारी है? जी है, मासूम गेड़े आ गए जी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा। और आवाम बहुत ही जोश व खरोश से तस्वीरें वीडियो और सब कुछ बना रही है, ठीक है। कहाँ चढ़े हुए बनने पर? हाँ हम भी ऊंची जगह पे आए हैं, थोड़े से हवा खा रहे, आकर हवा खा रहे। ये जी जनाब पिंडी की मंडी, ठीक है। अटक की मैंने पिछली बार दिखाई थी, तो आपने कमेंट में बताना है कौन सी अच्छी लगी थी। पिछली तो नहीं देखी, हर बहुत हर बंदे को अपने शहर की अच्छी लगी, हमें वही अच्छी लगती है जहाँ पे बेड़े शड़े मारने वाले ना हो। मासूम बेड़े सही वाल मुझे पसंद। और आपको कौन से पसंद है? फतजंगी फैन, फतजंगी बेड़े ने सारे हैं। नहीं मैं इस वजह से उनका फैन ना सही वाल, क्योंकि वो कम मारते नहीं है, मासूम। तो अभी जनाब जो है अंधेरा हो गया था, लाइट शेड भी। कौन बैठे हुए? ये तस्वीरें वगैरह भी ऊपर लगी हैं। डरना है और कुछ नहीं।
ये जी सजील भी नमाज अदा कर रहे हैं भैया। ठीक लाजमी लाइव नहीं नहीं ठीक है ठीक हो गया लग गया जोड़ा जी 12 लाख का। जनाब इनमें से एक जो है ना भेड़ों का शौकीन है और एक बकरों का शौकीन है। मुझे तो भाई जानवर जात से डर लगता है। मशवरे कर रहे हैं आपस में। ये देखे जी, ये जी आप इसके व्लॉग देखते ही होंगे, बकरों का शौकीन और ये भेड़ों का शौकीन। ये तो भाई डरता भी नहीं है, भेड़ के पास चला जाता है। तो मुझे तो भाई बहुत डर लगता है। देखना अभी बिलाल हो तो भेड़ को बन जरा हाथ ला। जनाब ये देखो मेरी हिम्मत तो नहीं होती, बाकी देख लें, शौक का कोई मोल नहीं है। पीछे से भी डर लगता है कोई आ जाए। ये चेक कर सकते हैं जनाब, नाक के अंदर से सुराख है, ठीक है, उसमें अंदर से इन्होंने अंगूठा डाल के पकड़ा हुआ है। जुल्म के पीछे लगा हुआ है। उसी की हिम्मत है भाई, मुझे कोई लाख रुपए भी दे ना से। वैसे तो बहुत लालची है कुछ भी कर लेगा। अच्छा ये चेक करें ना जी, ये हमारे साथ आ तो गया लेकिन जान नहीं छोड़ रहा बैलों की। एक को छोड़ता है दूसरा पकड़ लेता है। आप कभी इंट्रोड्यूस कराया क्या? मैं क्या करता हूँ, बकरी बकरों के शौकीन है, मतलब सारे दिन वही दिखाते रहते हैं। शौकीन है, डरते क्यों? मुझे डर लगता है भाई। शौकीन है या फिर जो है ना आपके पास है ही वो दिखाने? वो ही है, ही वो। ये तो शौकीन है भाई भेड़ों का। तो इतनी दूर से आ गया ना इसलिए? यही आया है, मेरा कोई मूड नहीं था, मेरा तो खास तौर नहीं था, यही लेके। ठीक है तुम डन 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 बैठ जाओ चाचा के साथ।